हेलो गाइस, मैं प्रवीण आपका होस्ट और दोस्त स्वागत करता हूँ अपने चैनल हिल स्टेशन में। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ खेत में, शाम के 5 बज रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ खेत की ओर, वहाँ पे कुछ काम करना है, तो बताते हैं वहाँ पे क्या काम करना है। वीडियो में बने रहे लास्ट तक, तो दिखाते हैं। दोस्तों मैं फाइनली खेतों के रास्ते से जा रहा हूँ और मैं दिखाता हूँ वहाँ पे। कल रात को वहाँ पे सुअर आया था, दिन में भी आया था, 3 बार आ चुका है वो। देखता हूँ वहाँ पे आलू लगा रखे हमने, काफ़ी नुकसान किया उसने। देखता हूँ मैं यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ पर बहुत डाउन है, फिसलन भी है यहाँ पे। हमारे आलू के खेत, यहाँ सुअर आया था रात को, यहाँ देखिए, यहाँ वो वड़खावड़ पूरा खोद रखा है उसने, ये पूरे आलू बर्बाद कर दिए उसने। देखिए पूरा नुकसान कर दिया, ऐसा लग रहा है यहाँ पे 2-3 तो सुअर आए होंगे रात को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से नुकसान किया हुआ है सुअर ने, आलू पूरे खा चुका है सुअर। रात का इंतज़ार करना पड़ेगा हमको। तो अक्सर पहाड़ों में सुअर आते रहते हैं, रात को भी आते हैं, दिन में भी आते हैं, तो सुअर का डर बना रहता है। तो आप देख सकते हैं टीम लगा रखी है यहाँ पे, टीम इसलिए लगा रखी है क्योंकि यहाँ पे सुअर का आने का खतरा है, इसलिए लगा रखा है। तो अभी यहाँ पर एक सुअर आया था तो भाग चुका यहाँ से, मम्मी ने फ़ोन किया था कि यहाँ पर सुअर आ गया है, तो वो भाग चुका है। और यहाँ पर बाड़ कर दी है मैंने वो, ताकि यहाँ प्रवेश ना कर सके, रात को फिर आना पड़ेगा यहाँ पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने खेतों से होके, आप देख सकते हैं मेरे पीछे का बैकग्राउंड पूरा हरा भरा। दोस्तों मैं जा रहा हूँ अभी घर की तरफ, घर में चक्की पे भी जाना है मैंने, वहाँ पर गेहूँ रखे हुए हैं पीसने के लिए, तो चक्की की तरफ जाऊँगा, उसको वहाँ छोड़ के आऊँगा फिर। तो काम पड़ा हुआ है मेरे पास दुनिया भर का, बने रहे मेरे साथ लास्ट तक। या कुछ व्यू दिखाऊँगा आपको, कुछ यहाँ के बारे में बताऊँगा। दोस्तों मैं पहुँच चुका अपनी गौशाला में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी गाय है और ये गौशाला है हमारा, हमारी गौ माता और उसका बछड़ा, अभी 1 साल का है ये, काफ़ी सुंदर रहती थी, इतना क्यूट है। ये है हमारा बकरा, इसको टांगरू भी बोलते हैं हमारे स्थानीय भाषा में, देखिए कितना क्यूट है। अभी मैं हूँ घर से थोड़ी दूरी पर, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये मक्के का खेत है, छोटा सा खेत है, सगड़ा भी बोलते हैं हमारे स्थानीय भाषा में। तो देख सकते हैं आप कितना सुंदर, देख सकते हैं आप ये हमारे खेत हैं यहाँ पर, छोटे छोटे खेत। और ये मिर्ची की क्यारी है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। ये है हमारा चौक, देख सकते हैं आप कितना सुंदर है हमारा घर। तो अभी मैं बैठ रखा हूँ घर की तिवारी में, काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से देख सकते हैं आप चारों तरफ छोटे छोटे पर्वत पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे पीछे, तो दिखाता हूँ मैं आपको। ये सीधे मेरे पीठ पीछे दिख रहा है वो घाटी, वो काली मठ वाली घाटी है, तो दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीठ पीछे, ये मेरा गांव है परसू जागदार, जो कुत्तिकासी से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, कुत्तिकासी से 7 किलोमीटर आगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये हमारा गांव, खूबसूरत सा गांव परसू जागदार, देखिए किस तरह से नीले आसमान और काले बादलों के नीचे हमारा गाँव, और छोटी छोटी पर्वतमालाएँ और छोटी छोटी घाटियाँ दिखाई दे रही होंगी, उनके बीच में आपको छोटे बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे होंगे आपको। देख सकते हैं नीचे पौधे के, कोयल के खेत हैं ये पूरे मंडवा के खेत। दोस्तों मुझे ये ले जाना था, तो ये गेहूँ है, चक्की की ओर जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे छोटा सा मार्केट है, मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये है यहाँ का मार्केट, खूबसूरत छोटा सा मार्केट है, देख सकते हैं आप। पास में GNV विद्यालय है। गाइस मैं वहाँ से वापस आ चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं वो मार्केट है, मार्केट के बगल में जवानोदय विद्यालय है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आप देख सकते हैं ये रोड कुछ दूरी पे आ चुका हूँ मैं, तो यहाँ पर रखा है मेरा सामान, इसमें है गुड़, और थोड़ा इंतज़ार करता हूँ मैं यहाँ पे। देख सकते हैं आप यहाँ की रोड बहुत ही खूबसूरत है, नीचे गाँव है हमारा, दिखाई नहीं दे रहा है साफ क्योंकि यहाँ पर पेड़ है ना, तो उसकी वजह से बांध की पेड़ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज का ब्लॉग यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ, तो बने रहे मेरे साथ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।